पुरखा के सुरता हमनमन छत्तीसगढ़ी सिनेमा के कलाकार आज जो है विजय पांडे जी ओकर जयंती है 23 दिसंबर के ओकर ही एक आयोजन होता है छत्तीसगढ़ी कलाकारों के जो पिछले साल फिल्म रही से ओला स्मार्ट सिनेमा के अवार्ड दिए जा रहे थे। वो साथ में छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बहुत सरल हृदय के मोला लगता है कि हालांकि ज़्यादा माया है एकर सेती भी मैं बोल सकता हूँ बहुत सरल सज्जन आदमी पुष्पेंद्र भैया मोर साथ में है। बहुत सारा फिल्म का काम करी खुद भी डायरेक्टर रही से छत्तीसगढ़ ही महतारी उकर प्रेम रही थी तो वो फिल्म भी बनाई से बोला। पुष्पेंद्र भैया स्वागत है आज विजय पांडे जी हमर मल्ला सुरता करत हन का कही विजय पांडे के बारे में। सबले पहली तो ओला प्रणाम करत हूँ हमार पुरखा है और ओकर संगे संग में एक बहुत बड़े बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जेन आज हम कलाकार मन जियत खात हन फिल्म के नाम ले विजय भैया के अतके बड़े योगदान है। ओ हा फिल्म के शुरुआत करिन और शुरुआत ही नहीं करिन अतके बड़े बड़े गायक एक्टर मन ला छत्तीसगढ़ में ला के एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई और वो फिल्म के कारण छत्तीसगढ़ में फिल्म के बाढ़ आईस कुछ दिन बाद रुकीस लेकिन फिर चल पड़ीस। एकर सेती में विजय भैया ला अब वो हमारे बीच में नहीं है ओला प्रणाम करत हुए ये कहा था कि ओकर कारण हमार घर परिवार चला थे ओला धन्यवाद। का कहबो तबीर जैन के बारे में का कह सकते हैं? एक तीर है मैं सीधा सीधा शब्द में कहूँ तपेश भैया बगल में खड़े हैं लेकिन तपेश भैया एक तीर है जे हो सकते हैं अर्जुन के कमान में हो सकते कि वो कर्ण के कमान में हो और हो सकते कि वो राम के वो तरकस में रहे लेकिन ओला चलना तय है। एकर सेती कहा तो कि जेन हाँ जेन विषय में काम नहीं करे तेन विषय में हमार तपेश भैया जम के काम करते जैसे लोगन मन इंटरव्यू लेते बहुत सारे ऐसे जन के जेन सब बड़े रहते मतलब जेकर नाम रहे जेकर काम रहे ओकर इंटरव्यू लेते लेकिन तपेश भैया वो तीर है जेन जाके सही निशाना पे लग के और एकदम परफेक्ट ओमन के इंटरव्यू लेते ओमन के बात ला दुनिया तक पहुंचाते जे मन ए समाज में थोड़े नीचे है या समाज के दूसरे जैसे मैं कहूँ थर्ड जेंडर के बात पहली घाव कोनो यदि छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर के ढंग के इंटरव्यू लेके ओकर बात ला रखिन तो हमार तपेश भाई है। और मैं तपेश भाई के एक चीज ला और जानत हूँ जुझारू तो है ही कर्मठ तो है ही लेकिन ओकर संगे संग है ना बहुत सोच के काम करते फालतू के काम मोला नहीं दिखी से काबर की ए जगह में आके वो कई गलत काम भी कर सकत रही से लेकिन यह नहीं करी से सब्बो जन ला लेके चलते सब्बो जन के संग में चलते हमार परिवार के बड़े है हम एला दाऊ भी कह सकथन हमार घर के दाऊ है। बहुत अच्छा आप मन के धन्यवाद। आलोचना भी आप मन के पास में रही थी तो कोई आलोचना भी सुन सकते हैं ना मन मन आलोचना तो देख का होते है कि मन के कड़वाहट रहते और मोर मन में तोर बर कड़वाहट नहीं है लेकिन एक चीज ला जरूर कहूँ मैं कि तपेश भैया ला अभी भी अपन परिवार ला ध्यान देना चाहिए ज्यादा वो घर से बहुत भक्त है और एक कलाकार के खैर आदत होते लेकिन तपेश भैया के बहुत सारे चीज ऐसे भी है कई घाव मोला बुरा लग जाते मोला इंटरव्यू ले जात अचानक कोनो ले जाते तो मोला लगते यार मोला बुलाए है फिर कोनो ले गए तो ऐसे बात होते रही थे लेकिन बुराई तो बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया सॉरी। बहुत अच्छी बात है नरेंद्र ठाकुर भी हमारे साथ में जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़।